किसान आंदोलन का 22वां दिन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन, 8 संगठन आज जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही सरकार से भी कल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे। किसान आंदोलन पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। किसानों के 8 संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। 3 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के दहलीज पर डटे हैं किसान। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसानों की मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच आज सुनवाई का दूसरा दिन है। किसानों के साथ खाप पंचायत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगी। 8 खापों की महापंचायत आज होने वाली है सिंधु बॉर्डर पर। इसको लेकर बड़ी संख्या में वहां पर जवानों की तैनाती भी है। 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लगातार दिल्ली की दहलीज पर, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान, इस प्रण के साथ कि वो जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक वो दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे, सड़क पर डटे रहेंगे। और सड़क से हटाने को लेकर ही ये याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। आज दूसरा दिन है सुनवाई का और इधर बीच टेंशन इसलिए सरकार की बढ़ी है क्योंकि 8 खापों ने अब इस आंदोलन को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही सिंधु बॉर्डर पर 8 खापों की महापंचायत होने वाली है। किसान आंदोलन में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है लोगों को ज़रूरत पड़ी बाल कटवाने की, शेव करवाने की, तो यहाँ पर चलता फिरता सैलून खुल गया। यहाँ पर आप आइए और अपनी जो भी ज़रूरत है, चाहे शेव कराने की हो, चाहे बाल बनवाने की हो, तो आपको अगर मेक बाल डाई कराने हैं उस तक का यहाँ इंतज़ाम है और ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर मुफ्त में दी जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ लाभ सिंह हैं जो इस पूरे जो सैलून है उसके ओनर हैं। कहाँ से आए हैं, क्या क्यों इसके एक सैलून खोला है वो खुद ही बताएंगे। सर, क्या ज़रूरत पड़ी इस सैलून की आपको लगता है? सर, जो हमारे पास जिम्मेदार है, ठीक है, किसान है हमारा, वो यहाँ पे सारा आया हुआ है आंदोलन में और हम अपने आंदोलन में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, इनका सहयोग करने के लिए आए हैं ताकि इनको बालों से कोई परेशानी ना हो जी। आप दाढ़ी वाड़ी बनवा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही थी ये सैलून नहीं था तो? बहुत दिक्कत थी, लड़ते चीटे बाल। अच्छा। हाँ, यहाँ आस पास है नहीं था, यहाँ तो फिर छील उतार रहे हैं। अच्छा। सोनी पता नहीं तो 20 रुपए का काम 100 में करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब जेब से पैसा भी जा रहा था। भैया, आप कहाँ से हैं? असली लुधियाने तो आए जी, जगराऊं तो। अच्छा, और कितनी दिक्कतें हो रही थी सैलून ना होने की वजह से यहाँ पर, अब तो मुफ्त का सैलून मिल गया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम थी कि ये थे। हाँ जी, हेयर कट है, दाढ़ी है, बियर्ड है, धागा है और हेयर कलर है, किसी को थोड़ा हेड मसाज करानी है, किसी को रिलैक्स होना है, वो भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, पैसा ले नहीं रहे? नहीं, पैसा नहीं ले रहे सर। तो ये लाभ सिंह है, नाम के हिसाब से काम दे रहे हैं कि लाभ जो है वो खुद ना लेते हुए दूसरों को लाभ दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा व्यवस्था है, ये यहाँ पर चलते फिरता पूरा आंदोलन है। ये लंबी लंबी ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं और दूर तक ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं। इन तमाम किसानों को ज़रूरत पड़ी क्योंकि आंदोलन के दिन लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में जब ज़रूरत पड़ी तो फिर इन लोगों ने इस तरीके की व्यवस्था कर ली और ख़ुद अपना सैलून बंद किया और सोनीपत के इस जो बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर, वहां पर आकर अपनी दुकान जमा दी, वो भी बिना पैसा लिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन,